हेलो लिंक भेजते रहे ना दस दस मिनट पंद्रह मिनट के बाद हेलो दोस्तों गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू कैसे हो आप अगर मैं पहले कुछ बातें ऑडिबल होगा तो सभी हाँ यस है येस के, थम बताइए क्लियर आवाज़ आ रही है मेरी बेटा आ, एक और सवाल हमारा डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले आई होप ये डिस्कशन आप इन्जॉय कर रहे होंगे गए एन्जॉय से ज़्यादा ये आपके लिए बहुत वर्थफुल होना चाहिए और अगर होगा तो प्लीज़ मुझे यस सर कहिए सो दैट कि यहाँ पे मैं अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू रख सकूँ और दूसरा बेटा मैं अभी दो तीन मिनट आपके कोई क्वेश्चन हो गए स्पेशली ये सेशन से रिलेटेड तो मैं चेक करूँगा और उसका एक्सप्लेनेशन दे के हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे ठीक है तो आप क्वेश्चन होगे तो ये क्वेश्चंस भी अभी पूछ सकते हो मोबाइल मेरे पास है मैं आपके क्वेश्चन देख लेता हूँ और फिर उसके हिसाब से आगे उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ अगर आपके कोई क्वेश्चन हो गए तो तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट uh, करते हैं डिस्कशन ऑन रिफंड यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चंस देख रहा था प्लीज अब मेरी एक रिक्वेस्ट है कोई डाउट्स नहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूरा आपका ध्यान मेरे डिस्कशन पे मैं कुछ डाउट्स देख रहा था कि सर लास्ट के कॉमन टॉपिक जो है रिफंड वगैरह इनके रिवीजन आप हमें करवा दो बेटा मेरा टारगेट है कि पहले आपके सब एडिशनल क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं और ये एडिशनल क्वेश्चंस करवाने के बाद ओके okay, मेरे जो रिवीजन टॉपिक्स है मैंने पहले ही कहा कि हम मैराथन रिवीजन तो लेंगे लेकिन इस चैप्टर्स के रिवीजन टॉपिक जैसे रिफ़ंड हुआ आ, अपील हुआ या जो कॉमन टॉपिक्स है उसके रिविज़न टॉपिक्स के वीडियो मैं यहाँ पर जो दो तीन दो तीन वीडियोस है मैं यहाँ पे यूट्यूब पे एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा जिसका आपको हमारे वी स्मार्ट अकेडेमी के चैनल पे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वो रिवीजन आप बाद में देख सकते हो मैं उसको अपलोड कर दूंगा बेटा दूसरी बात आज हमारा डाउट सेशन भी होगा आपको लिंक चैट लाइव चैट में मिलती जाएगी हर दस पंद्रह मिनट में लिंक अपडेट होते रहेगी वो लिंक कॉपी कर लेना बेटा जैसे ही सेशन खत्म हुआ उसके पाँच या दस मिनट में हमारा ओके डाउट सेशन भी चालू जाएगा इसलिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ के आए हैं ओके वो अपने डाउट्स पूछ सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर जो अपना डिस्कशन का चैप्टर है उससे रिलेटेड ठीक है दोस्तों तो अह ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिवीजन के बारे में मैंने कह दिया इसके बारे में कह दिया अब हमारा सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं आर यू रेडी फॉर दैट यस और नो यस ठीक है अब पहली बात तो कह दूं जो पढ़ के नहीं भी आए होंगे या जिन्होंने नहीं भी पढ़ा होगा डोंट वरी मैं मेरा यहाँ मेन ऑब्जेक्ट है कि आपने लिखना कैसे चाहिए तो मैं जो क्वेश्चन पूछे उसको एक्सप्लेन भी करूँगा आपको रिकॉल हो जाएगा और उसके आंसर्स हमने कैसे लिखना चाहिए ये भी आपको बताऊगा डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा ही करेगा ठीक है आ, कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर ये डिस्कशन कितना दिन चलेगा तो बेटा ये मुझे भी नहीं पता कि डिस्कशन कितना दिन चलेगा ओके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई चैप्टर्स मैक्सिमम कवर करूं मैंने 10 तारीख तक प्लान किया था पर थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो सकता है उसके बाद में हमें आर का भी डिस्कशन करना है okay, उसके बाद में अगर मुझे कोई अमेंडमेंट्स पर अगर कोई क्वेश्चन अच्छा लगे तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करना है आपसे तो ये इन दैट सिचुएशन बेटा ओके डेली वन अवर आई विल ओके कम फॉर डिस्कशन इफ यू वॉन्ट टू डू दैट देन यू कैन कम लाइव ओके इफ यू वॉन्ट टू डू एट then इन दैट सिचुएशन yes, you can do Uh, you, our recording sessions at once so please don't ask me the durations about this because it's uh, additional services given by given by me for your benefits come on for your benefits okay so uh, it's on uh, on you how can you are going to utilize okay this additional services okay let's start uh, huh. also i am going to discuss that uh, 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 that MCQ questions, additional questions given by ICI after this discussion. Okay, MCQ questions, and again I repeat our chart revision. I will start by 10th. Okay, I will start by 10th. Okay, daily five hours. The schedule I will give in detail 10th or 11th. Okay, I will inform you on 9th. Okay, so 10th or 11th, we will start our chart revision. Okay, so without wasting our time, let's start because I know that your time is very valuable. Okay, so. बिफोर स्टार्टिंग ओके यस क्लोज योर आइज टेक अ डीप ब्रीथ और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो भी होगा बहुत अच्छा होगा आए हैं हम कुछ अच्छा कर रहे हैं ठीक है सो नाउ लेट्स स्टार्ट बेटा बी मोटिवेटेड ओके बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना ये सिचुएशन में सब कुछ अच्छा ही होगा अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा चलो स्टार्ट करते बेटा ना uh, first question kailash global private limited supplies various goods in domestic and international market it is engaged in both manufacturing and trading of the goods underline this fact is important for me manufacturing and trading of the goods Companies registered under gst in the state of karnataka ok this fact also important for me the company export the goods without payment of tax Export without payment of tax under letter of undertaking in accordance with the provision of section 16.3 and section 16.3 related to zero rate supply. So, now without payment of tax, export even though you don't remember section 16. But I personally suggest you that if they have given the clues here, what are the clues? Okay, here export and without payment of duty under bond that means it is zero rate supply. Of IGST Act 2017. Now, okay, company has made a following supplies during a tax period. Okay, so now see they have given various transactions during tax period. One export of product A to UK. Okay, A to UK for $10,000. Accessible value under custom in Indian rupees that 7 lakh is given export duty is levied on the product a at the time of exports okay so this is important fact for me okay goods are exported and uh, value is 7 lakhs but export duty is payable export duty is payable on such goods okay now next अब इसके ऊपर हम डिस्कशन तो करेंगे ये चार ट्रांजैक्शंस उन्होंने दिए हैं प्रॉब्लम पढ़ने का तरीका हाउ टू रीड द प्रॉब्लम 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 पढ़ने का तरीका क्या है सो नाउ यहाँ पे फटाफट फटाफट ये पढ़ लेना और ये देखना कि हमें करना क्या है ओके okay, हमें करना क्या उसके हिसाब से वापस प्रॉब्लम को रिव्यू करना सो व्हाट वी हैव टू डू ओके व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट ऑन दैट बेसिस यू हैव टू रिव्यू द प्रॉब्लम अगेन सो नाउ फर्स्ट दे आर गिवन एक्सपोर्ट सप्लाई सेकंड डोमेस्टिक सप्लाई वेयर रेट इज 5% इनपुट्स आर यूज्ड ओके Uh, some notes are given then supply of goods to export eou okay, okay itc clip recipient is given export of exempt supply of goods export of exempt supply of goods okay thereafter they have given the details of itc itc available so itc details they have given okay for inputs capital goods and input services we will review the problem after okay here टेकिंग इन टू कंसिडरेशन व्हाट वी हैव टू डू हमें क्या करना है उसके बेस में वापस हम प्रॉब्लम एनालाइज करेंगे पहले ओवरऑल प्रॉब्लम पढ़ना और एंड में आ जाना कि हमें करना क्या है क्योंकि हमें जो करना है उसके हिसाब से हमारा अप्रोच होगा व्हाट वी हैव टू डू अकॉर्डिंगली वी हैव टू डिसाइड अवर अप्रोच ओके सो बेटा यहां पर जहां तक देखा जाए तो यहां हमारा जो अप्रोच है अब इसमें क्या रहेगा डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एडमिसिबल टू कैलाश ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ गिवन टैक्स पीरियड यानी अब हमें मिल गया करना क्या है हमें यह करना है कि हमें रिफंड निकालना है यानी अब ओके okay, हम डाइवर्ट नहीं होंगे वी आर नॉट गोइंग टू डाइवर्ट टू डिटरमाइन द आंसर इन डिफरेंट वे वी हैव टू फोकस ऑन कैलकुलेशन ऑफ रिफंड सो डू यू रिमेंबर फॉर्मूला जीरो रेटेड सप्लाई ओके सो लेट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ओपन यूर बुक अपने बुक ओपन करो और अपनी बुक ओपन करके अभी रिफंड के चैप्टर में जीरो रेट का आई टी सी रिफंड कीप दैट फार्मूला इन फ्रंट ऑफ यू ऑल्सो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कीप दैट फार्मूला इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट ओपन बुक Okay, मैं आपको कहूंगा याद करने की कोशिश जो है सिर्फ एग्जाम के टाइम ही करना जब आप हॉल में हो तब तक जितना ज्यादा हो सके हाउ टू राइट हाउ टू राइट हाउ टू राइट ओके बाय रीडिंग द आंसर्स डू दैट प्रैक्टिस फ्रिक्वेंटली दैट विल डेफिनेटली विल हेल्प यू ओके सो नाउ बेटा यहां पे नेक्स्ट ओके रिफंड कैलकुलेशन द फर्स्ट ट्रांजेक्शन ओके सी export of product a uk on which export duty is payable now if you remember zero rated supply the formula here turnover of zero rated supply uh, export turnover of goods or services divided by adjusted total turnover for claiming the refund into net istc टू नेट आई टी सी लेट्स रिकॉल द थिंग्स देन वी विल रीड द एंसर वी विल रीड द एंसर हम आपके साथ एंसर रीड करेंगे एंड देन वी विल अरेंज द एंसर एंड आफ्टर दिस क्लास इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू देन यू हैव टू ट्राई टू यहाँ पे समराइज द एंसर्स देट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू आर गोइंग टू राइट दिस एंसर देन प्रैक्टिकली इट नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द पेपर ओके विद इन थ्री आवर्स ओके आई हैव गॉट इट येसो गो है यहाँ पे एक्सपोर्ट और प्रोडक्ट ए दिया है एंड दैट इज सेवन लैक ठीक है सो इट शुड बी अंडर एक्सपोर्ट टर्न और देर आफ्टर डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट इट्स नॉट एक्सपोर्ट डोमेस्टिक सप्लाई प्रोडक्ट बी ड्यूरिंग द पीरियड Uh, excluding tax this means tax rate is 5% and 10 lakhs is given excluding tax. Okay, input use in manufacture of such goods are 18%. Okay, so I got the clues. Okay, what that clue if you focus on this uh, activity again on this transaction again, so you will find that the output tax rate is low and input tax, whatever the inputs used in such goods, is high. I repeat output tax rate is low and input use okay in that high rate means this is a perfect case of inverted tax structure come on i need your attention this is the perfect case of inverted tax structure okay so as a situation better okay if inverted tax structure then also refund is available but what is the formula well formula is inverted tax structure turnover of inverted tax structure divided by total adjusted turnover into net itc minus, minus whatever the tax payable on the turnover of inverted tax structure i will explain that formula if you don't remember okay but keep that book uh, so keep your book in front of you read that formula along with me yes read that formula along with me and we will arrange the information accordingly okay now next supply of goods to eou eou means export oriented units i need your attention export oriented units okay in last session we have seen deem export okay deem export concept is there when you supplies try to understand when you supplies to a supplier under advance authorization apcg scheme or eou scheme then

or recipient also can claim the uh, refund. रिसिपियन कैन क्लेम द रिफंड ऑफ वॉट एवर जी एस टी हिज चार्ज तो रिफंड ऑप्शन इज गिवन टू बोथ सप्लायर और रिसिपियन अब इसमें क्या होगा इफ सप्लायर इज क्लेमिंग द रिफंड अगर सप्लायर क्लेम रिफंड कर रहा है देन ही हैज़ टू टे अंडरटेकिंग फ्रॉम द रिसपियन ओके ई ओ यू दैट ही इज नॉट क्लेमिंग आई टी सी तो सप्लायर को रिफंड मिलेगा या फिर ओके रिसिपियन दैट इज ई ओ यू कैन क्लेम द रिफंड बट इन दैट केस सप्लायर इज नॉट इलिजिबल फॉर रिफंड दिस टू स्कीम्स आर अपलीकेबल इन केस ऑफ डीम एक्सपोर्ट ठीक है दोस्तों तो ऐसे केस में यहां पे उन्होंने एक यहां पे इंफॉर्मेशन क्या दी इंफॉर्मेशन ये दी कि यहां पे आई टी सी हैज बिन क्लेम बाय द रिसिपियन ओहो आई टीसी रिसिपियन ने क्लेम कर दिया है इफ आई टी सी क्लेम बाय द रिसिपियन देन सप्लायर इज नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड तो इसका रिफंड सप्लायर को नहीं मिलेगा ठीक है तो ये डीम एक्सपोर्ट एटी नाइन फोर ए में कवर होता है ये डीम एक्सपोर्ट एटी नाइन फोर ए में कवर होता है और सप्लायर उसका आईटीसी क्लेम कर रहा है उसके बाद में एक्सपोर्ट ऑफ एग्जम सप्लाईज ऑफ द गुड्स तो एक्सपोर्ट ऑफ एग्जम सप्लाईज ऑफ द गुड्स यहाँ क्या बेटा सिक्स लैक्स ठीक है तो आ, अब यहाँ पे मैं आपका ध्यान सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट पे लाना चाहूंगा मैं एक मिनट रुकता हूँ आईजीएसटी का चैप्टर ओपन करो इंडेक्स देखो सेक्शन 16 में जाओ सेक्शन 16 जीरो रेटेड सप्लाई ओके ओपन करो मुझे आपका ध्यान लाना है वहाँ पे सेक्शन 16, आईजीएसटी का अगर बुक आपके सामने है तो मैं फिर से कहता हूँ मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे ठीक है दोस्तों आपने सेक्शन सिक्सटीन ओपन कर लिया आई जी एस टी एक्ट का अब उसमें देखो पहला जीरो रेट सप्लाई कब बोला जाएगा अगर आप एक्सपोर्ट करते हो ध्यान से सुनना अगर आप एक्सपोर्ट करते हो देन इट वुड बी ट्रीटेड एज जीरो रेटेड सप्लाई और यू सप्लाईज टू एसीड सी इफ यू सप्लाइज टू एस, एस, एस दे, इज जीरो रेट इफ यू सप्लाई टू देन इट इज डीम एक्सपोर्ट इज इट क्लियर तो अब सबसेक्शन टू देखिए उसमें सबसेक्शन टू कहता है कि यू कैन क्लेम द रिफंड ऑफ आई टी सी इन केस ऑफ जीरो रेट एज पर दिस फार्मूला वाट एवर आई एक्सप्लेन मैंने जो फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से आप रिफंड क्लेम कर सकते हो ठीक है अब बेटा इसमें देखिएगा उसमें एक वर्ड आएगा ये कि नॉट विस्टैंडिंग टू फैक्ट दैट में भी आपके साथ यहाँ पे जो है मॉडल आई जी एस टी एक्ट और मैं आपके साथ सबसेक्शन टू पढ़ता हूं ओके okay. तो यहाँ पे जहां तक है देखो हबसेक्शन टू क्या सॉरी हाँ सबसेक्शन टू उसमें क्या कहता है अवेलेबल फॉर मेकिंग सप्लाई नॉटैंडिंग दैट सच में बी अ एग्जम सप्लाई मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा नॉट विस्टैंडिंग दैट सच में बी एग्जम सप्लाई मतलब ये हुआ कि अगर आपका सप्लाई एग्जमट है ध्यान से सुनना अगर आपका सप्लाई एग्जाम है बेटा तो वो सिचुएशन में भी ओके आपको इसके आईटीसी मिलेंगे और आईटीसी का रिफंड भी मिलेगा क्यों ना एग्जाम सप्लाई हो एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस एज सेक्शन सेवनटीन वन सेवनटीन टू इफ यूर सप्लाई एग्जाम सप्लाई देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी बट इफ दैट एग्जाम सप्लाई इज एक्सपोर्टेड देन इट विल टेक ऑफ जीरो रेट सप्लाई गॉट इट बेटा तो नाउ यहां पर वो जीरो रेटेड सप्लाई कहा जाएगा ठीक है तो अब ऐसे सिचुएशन में यहां पे ओके ये मैं जीरो रेट यानी एक्सपोर्ट टर्न ओवर में कंसिडर करूंगा फॉर क्लेमिंग द रिफंड ये मैं कंसिडर करूंगा फॉर क्लेमिंग द रिफंड अब बेटा मैं आपका ध्यान एक कंसेप्ट पे लाना चाहूंगा अगर आप रिफंड चैप्टर में हो तो रिफंड चैप्टर में कौन कौन सी केसेस में इन विच केसेस रिफंड्स आर अवेलेबल वो एक लिस्ट बनाइए आई थिंक क्वेश्चन नंबर टू और थ्री होगा उसमें जीरो रेट सप्लाई के केस में मिलेगा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में मिलेगा ऐसी कंप्लीट लिस्ट दी हुई है उसमें ज़ीरो रेट सप्लाई में ये कहा है एक नोट मैंने दिया है कि अगर आपके एक्सपोर्ट गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी आई रिपीट एक्सपोर्ट गुड्स पे एक्सपोर्ट ड्यूटी होगी तो फिर आपको आईटीसी के रिफंड नहीं मिलते हैं अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो मेरा स्टेटमेंट सुन लो ओके डोंट वरी फॉर दैट अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और वो एक्सपोर्ट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी है या फिर आपने ड्रॉबैक क्लेम किया है दो सिचुएशन है तो आपको यहाँ पे आई के रिफंड नहीं मिलते हैं इवन दो यू एक्सपोर्टेड अंडर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आई रिपीट इवन दो एक्सपोर्टेड विदाउट बॉन्न और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लेकिन वो एक्सपोर्ट कंसिडर नहीं होगा फॉर क्लेमिंग द रिफंड ठीक है चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं तो बेटा यहां पे पहले केस में ये एक्सपोर्ट टर्न ओवर में नहीं लूंगा अब हमारा फार्मूला क्या कहता है हमें यहां दो फॉर्मूला यूज करने हैं अगर आप मेरे फ्लो में ये चीजें डिस्कस करें एक एक्सपोर्ट टर्न ओवर का फार्मूला और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का फार्मूला मेरे सामने ओके दो एक्सपोर्ट टर्न ओवर है एक ये ओके okay, एक ये टर्न ओवर है और एक नीचे दिया हुआ एक्सपोर्ट टर्न ओवर है ये ये तो ई वाला है ये डीम एक्सपोर्ट वाला है तो दो एक्सपोर्ट टर्न ओवर में से मेरा जो एक्सपोर्ट टर्न ओवर ऑफ़ गुड्स होगा हमारे फार्मूला के लिए वो जो है ये नहीं लिया जाएगा क्यों क्योंकि ये एलिजिबल इसलिए नहीं होगा फॉर क्लेमिंग द रिफंड क्यों क्योंकि इसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है ये पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए आपके ख्याल में होना चाहिए

इन टू नेट आई टी सी ये फॉर्मूला पे चलना पड़ेगा तो चलिए अब इतना डेटा हमें दिया है नीचे अगर उन आप डेटा देखते हो तो नीचे डेटा इनपुट का दिया इनपुट का आई टी सी तीन लाख पचास हज़ार है उसमें से फिफ्टी थाउजेंड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज ठीक है पर एग्जाम सप्लाईज होगा ठीक है बेटा तो अब हमें आंसर देखना है डिस्कशन तो हमारा हो गया ओके okay, हमें अब आंसर देखना है यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए और जो यूके को गया अब प्रेजेंटेशन देखो प्रेजेंटेशन उन्होंने टेबल बनाया और नीचे फिर नोट्स में यहाँ लिया अब इसमें आप प्रेजेंटेशन करते वक्त पर्टिकुलर्स अमाउंट और रिमार्क में भी कर सकते थे लेकिन रिमार्क यहाँ ज़्यादा स्पेस लेगा इसलिए यहाँ नोट्स लिखना ज़्यादा बेटर है ये आपको क्लिक होना चाहिए हाँ नोट्स लिखने का तरीका कैसे होगा क्या पॉइंट्स आपने मेन कंसीडर करने चाहिए बाकी का जो फालतू पॉइंट्स है कैसे छोड़ने चाहिए कैसे शॉर्ट करने चाहिए ये इस पर हम डेफिनेटली बात करेंगे तो बेटा एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए ए में जो इनपुट्स यूज़ किए गए ओके ए के लिए जो इनपुट्स यूज़ किए गए उसके क्रेडिट आपको उसके रिफंड आपको नहीं मिलेंगे क्यों क्योंकि उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है इसलिए उसके आई का रिफंड उन्होंने नील कहा है ओके okay, तो नील का है दूसरा यहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाईज इन्वर्टेड टैक्स इसकी नील कैसे इसकी नोट हम लिखेंगे नोट वन में दूसरा डोमेस्टिक सप्लाईज ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट भी ड्यूरिंग द पीरियड अब इसमें इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर से इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का जो फॉर्मूला है उससे रिफंड निकाला गया यहाँ लिखा गया नोट टू दिया गया सप्लाई ऑफ गुड्स टू ई ओ यू यहाँ पे रिफंड नहीं मिलेंगे क्यों नहीं मिलेंगे बेटा क्यों क्योंकि रिसिपियन रिफंड क्लेम कर रहा है इसलिए सप्लायर को रिफंड नहीं मिलेगा आई रिपीट रिसिपियन रिफंड क्लेम कर रहा है इसलिए सप्लायर को ये रिफंड नहीं मिलेगा ठीक है और एग्जाम सप्लाईज का इसको एक्सपोर्ट कहा जाएगा इसलिए इसका रिफंड आपको समझ जाएगा ओके okay, यहां मिल जाएगा अब पहले का नोट देखते हैं पहले हमने डिस्कस तो सब कुछ कर लिया पर नोट उसने कैसा लिखा है और हमें इसको समराइज़ कैसे करना है अब बेटा यहां पे एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट ए हमारे दिमाग में तो एक ही आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी क्लेम कर दी इसलिए इसका आई का रिफंड नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्सेप्शन है ओके okay, आप रिफंड चैप्टर पढ़ोगे दूसरा या तीसरा क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें मैंने दिया हुआ है आपको नहीं मिल है, तो सुन लो चुपचाप तो बेटा अब सॉरी <coughs> और डरना मत बेटा आप तक नहीं पहुंचेगा कोरोना वायरस एग्जांपल या जस्ट खेडिंग एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज अ जीरो रेटेड सप्लाई इन टर्म्स ऑफ सेक्शन सिक्सटीन वन ए जस्ट मिनट ठीक है <laughs> अब ये नोट में आपने क्या देखना है ये नोट में आपने देखना है उन्होंने सेक्शन का क्या रेफरेंस लिया है और आपको एक मैंने जैसे फर्स्ट सेक्शन में बताया था ओके okay, एक पेज uh, लेना है यहाँ अटैच करना है ओके okay, या नोट पैड लेना है यहाँ अटैच करना है अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हमें किस किस सेक्शन का रेफरेंस चाहिए तो हमें सेक्शन सिक्सटीन का रेफरेंस चाहिए ओके उसके बाद में सिक्सटीन ए में आप जो है जो फर्स्ट प्रोविजो क्या कहती है तो फर्स्ट प्रोविजो यहाँ पे आपको लेटर ऑफ आप अंडरटेकिंग में जीरो रेट सप्लाई किया उन्होंने 543 फोर यहाँ पे यूज़ किया है और प्रोविजो टू 54.3 ये एक बहुत अच्छा तरीका पढ़ने का जब मैं पढ़ता था तो मैं क्या करता था ओके okay, यहाँ पे आंसर देख के मैं ये देखता था कि इंस्टीट्यूट ने कौन से सेक्शन कौन से रूल कौन सा ओके okay, ये आंसर के लिए कौन सा याद Uh, मतलब कौन सा रेफर किया है और मैं उसको लर्न करने की कोशिश करता था अब देखो पूरा एक्ट याद करो और उसके सेक्शन प्रोविजो याद करो तो याद नहीं आता है लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हमने क्या क्या रेफर किया है क्यों रेफर किया है ये पॉइंट्स अगर आपने निकाल लिए ना तो वो याद आ जाता है क्वेश्चन स्पेसिफिक और जितना फ्रिक्वेंट आप पढ़ते जाओगे ना उतना उसके ऊपर फोकस होते जाएगा मुझे याद है जब मैं एग्जाम में गया तो ऐसे थर्टी मार्क्स के क्वेश्चन जो मैंने आर में या इंस्टीट्यूट का प्रैक्टिस मैन्यूअल जो था या फिर अब मैंने पिछले तीन साल के आ टीपी करके गया था और और पूरा ऐसा एक एक पॉइंट मैंने उसकी नोट बना के गया था ओके और यहां पे इंस्टीट्यूट uh, का सजेस्टेड uh, आंसर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके उसके बाद में मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चंस ये करके गया था और थर्टी मार्क्स के क्वेश्चंस वैसे के वैसे सिर्फ अमाउंट चेंज करके आ गए बेटा मेरे को इतनी जल्दी याद आ गया कि यहाँ ये सेक्शन ये रूल ये रेफर करना है और फटाफट फटाफट फटा मैं वो रेफर करते जा रहा हूँ तो नाउ मैं कहूँगा मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया एट्टी मार्क्स आई स्कोर इन आई डी टी ओके और मेरा डी और लॉस अबो सेवेंटी सभी तीनों सब्जेक्ट में था डोंट वरी कोई कमेंट पास मत करना बस मेरे इतना कहना चाहता हूं कि यहां पे एक नोट बनाओ हम सेक्शन 16 रेफर करने वाले हैं अब सबसेक्शन क्लॉज नहीं भी याद आया अभी ठीक है यहां दिया है सबसेक्शन क्लॉज नहीं भी आया बस सेक्शन 16 रेफर कर लो और सेक्शन 54 जो रिफंड का रेफर कर लो दैट्स इनफ तो यहां पे सेक्शन 16 और 54 के बेस पे आंसर देंगे सेक्शंस अगर आपने ये कोड भी कर दिया ना तो बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका आता है एज पर सेक्शन 16 अगर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो जीरो रेट सप्लाई कहा जाता है अल्सो सेक्शन 16 में लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो यहां पे आपको जस्ट मिनट बेटा आप यहां पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो केस में यहां आपको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यानी आपके आउटवर्ड पे तो टैक्स नहीं लगेगा आपके आउटवर्ड सप्लाई जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में दे रहे हो इसलिए उसके ऊपर तो टैक्स नहीं लगेगा बेटा बात उसकी नहीं चालू है बात है कि आईटीसी के रिफंड मिलेगी क्वेश्चन ध्यान से सुनना आईटीसी के रिफंड हमें मिलेगा नहीं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड एडमिसिबल ओके तो ये जो आईटीसी दिया उसके रिफंड की हम बात करने वाले हैं ठीक है तो आईटीसी के रिफंड की हम बात करने वाले हैं तो ये हमने देखा कंसेप्ट यहां पे तो सेक्शन सिक्सटीन में वो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स लेटर ऑफ अंडरटेकिंग में दिया गया नाउ नेक्स्ट हम 54 की बात कर रहे हैं 54 में आपको अगर आपने एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई किया होगा तो आईटीसी के रिफंड मिलते हैं तो आपको दो पॉइंट इसमें लेना है तो सेक्शन 16 आपको दो लाइन में खत्म करना है कि भाई अगर एक्सपोर्ट करते हो तो जीरो रेट सप्लाई कहा जाता है अंडर बॉन्ड एक्सपोर्ट करते हो तो आपको विदाउट पेमेंट टैक्स अलाउड है सेक्शन फिफ्टी में यह कहना है कि अगर एक्सपोर्ट करते हो तो आपको आई का रिफंड है अगर जीरो रेट में एक्सपोर्ट करते हो और आपका जीरो रेट है सेक्शन सिक्सटीन में दूसरा पॉइंट यह भी लिखना है जो लास्ट मेन पॉइंट

एक टाइम मैनेजमेंट भी करना है कि भाई मेन तो ये लिखना है टाइम अगर मिलता है तो फिर ये भी पॉइंट्स कवर करना है और सेक्शन के रेफरेंस सॉरी <coughs> तो आपको सेक्शन के रेफरेंस भी देना है ठीक है बेटा अब बेटा अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे देखो मैं ये कहूंगा कि सेकंड uh, सेकंड के केस में डोमेस्टिक सप्लाई अब देखो यह इन्वर्टेड स्ट्रक्चर है इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या है हमारा इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मूला ये है और आपको एक बात कह दूं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ इनपुट के आईटीसी का ही रिफंड मिलता है जीरो रेट में सुना मेरी बात जीरो रेट में इनपुट प्लस इनपुट सर्विस इन दोनों के आईटीसी का रिफंड मिलता है लेकिन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे नेट आईटीसी की डेफिनेशन तो उसमें सिर्फ यहां पे ओके यू आर एलिजिबल टू क्लेम द रिफंड ओनली ऑफ इनपुट आई ऑन इनपुट्स ठीक है सो देन सी डोमेस्टिक सप्लाइज अब थोड़ा ये क्वेश्चन ध्यान में रखना डोमेस्टिक सप्लाईज है फॉर्मुला टर्न ओवर ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर डिवाइडेड ऑफ गुड्स और सर्विसेज डिड बाई टोटल एडजस्टेड टर्न ओवर आई रिपीट टोटल एडजस्टेड टर्न ओवर अब वॉट इज द मीनिंग ऑफ टोटल एडजस्टेड टर्न ओर टोटल एडजस्टेड टर्न ओवर मीन्स Uh, in case of supply of goods, you have to take a turnover in state. In case of supply of goods, turnover in state. In case of supply of services, okay, zero-rated and non-zero-rated supply. Okay, okay. What is this zero-rated, non-zero-rated? I will put the revision on YouTube. Okay, after two days, you can revise that things. But you must have to focus on this problem. Okay, so I need your attention. So, beta here. Total adjusted turnover. In total adjusted turnover, you should exclude only exempted supply and 89.4a, 89.4b. 89.4a that is deem export and 89.4b, okay, that 89.4b related to penultimate supply, your yeah, supply by merchant exporter okay that should be excluded so how to calculate adjusted total turnover so total turnover in state total turnover in state, turnover in state includes turnover in state includes okay export supply do you remember turnover in state and aggregate turnover definition turnover in state okay all taxable supply exempt supply in exempt supply three supplies are there okay wholly exempt nil rate and non taxable then export supply also treated as turnover in state so this export supply 1 lakh oh sorry 7 lakhs to be added in turnover in state Domain plastic supply 10 lakhs also to be added in turnover in state then thereafter this eou supply okay all all supplies to be added so here 5 lakhs to be added and this exam supply also to be added in adjusted total turnover which is turnover in state beta Okay, turnover in state. Okay, so have you got it? So all this total you must have to take in for the calculation of turnover in state. Now the another important question for our discussion. What is that? Another important question is, sir. If this export uh, to EU then it is a uh, deem export, and if it is a deem export, then in that situation I need your attention, then it is covered in 89 for a it is covered in 89 for a deem export. <coughs> so why you have added this 5 lakhs? okay in adjusted turn, total turnover because adjusted total turnover includes 89 rule 894a 89 and rule 89 894b turnover rule 894a includes deem export eou is a deem export so in that situation why you added okay in adjusted total turnover see beta if you refer that deem export okay 894a if supplier is claiming the refund फ सप्लायर इज क्लेमिंग द रिफंड देन यू शुड एक्सक्लूड अंडर एटी नाइन फोर है अगर सप्लायर रिफंड क्लेम करता है तो आपने एटी नाइन फोर ए से एक्सक्लूड करना चाहिए या सप्लायर रिफंड क्लेम नहीं कर रहा है या रिसिपियन क्लेम कर रहा है सप्लायर तो अपना टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है यह पॉइंट नोट करने जैसा है सप्लायर तो अपना टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है बेटा ओके okay. तो यहां पे अगर सप्लायर रिफंड करता तो फिर ये एटी नाइन फोर हो जाता और ये एटी नाइन फोर हो जाता तो ये टर्न ओवर एक्सक्लूड करना पड़ता क्योंकि ये डीम एक्सपोर्ट में जाता है लेकिन यहां सप्लायर नहीं रिसिपियन क्लेम कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में बेटा यहां पे ये आपके एटी नाइन फोर से डिडक्ट नहीं होगा तो आपका एडजस्टेड टोटल टर्न जो है सेवन प्लस टेन सेवनटीन प्लस फाइव ओके प्लस फाइव कितना हुआ ट्वेंटी टू प्लस सिक्स ट्वेंटी एट ये आपका एडजस्टेड टोटल टर्न ओवर आया ओके okay, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेट आईटीसी ऑफ इनपुट्स क्योंकि हम इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का निकाल रहे हैं तो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का अगर हम निकाल रहे हैं तो नेट आईटीसी कैसे निकालना चाहिए नेट आईटीसी की डेफिनेशन अगर आपके सामने बुक होगी और आप इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के फॉर्मूले में होगा तो नेट आई मतलब आई ऑन इनपुट्स ऑनली टोटल टोटल आई टी सी ऑन इनपुट्स ऑनली ओके फिर वो दैट यूज़ इन के प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी या ई ओ यू और एग्जम टोटल आई टी सी एक्सेप्ट एटी नाइन फोर ए तो एटी नाइन फोर ए मैं कवर नहीं करूंगा वाई आई विल नॉट कवर एन फोर एकॉज रिफंड इज नॉट क्लेम बाय दप्लायर ओके इफ रिफंड सप्लायर देन इट वुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम अवर कैलकुलेशन ओके दे आर आई टी सी ऑल्सो एक्सक्लूडेडेड ओके डिड यू अंडरस्टैंड बेटा सो इन सच सिचुएशन यहाँ पे In this problem, okay. I am not going to exclude any itc of inputs. So here inputs including 50,000 for export exam supply. Okay, so for inputs 3 50, 000, Okay, net itc. This is my net ITC for inverted track structure. For inverted tax structure, okay, because only a refund of here net ITC is available. So uh सी ए माइनस माइनस वॉट इर द टैक्स पेबल ऑन इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर सो देखो बेटा फंडा बहुत क्लियर है आपको रिफंड कैसे देखे गवर्नमेंट कहती है कि जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्न ओवर है उसका प्रपोशनेड रिफंड निकालो वो रिफंड आपको एलिजिबल होगा लेकिन हम आपको रिफंड पूरा क्यों देंगे आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर पर लोअर रेट पर भी टैक्स देना है अगर आपको लोअर रेट पर टैक्स देना है तो वो सिचुएशन में बेटा यहाँ

तो देखो अब उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया आपसे उन्होंने आपको पहले तो हम देख लेते क्या क्या रूल सेक्शन उन्होंने रेफ़र किया 54 फिफ्टी फोर थ्री ओके रूल एटी नाइन फाइव ओके उन्होंने यहाँ रेफ़र किया इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का और फिर क्या एक्सपेक्टेशन है तो डेफिनेशन भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे एडजस्टेड टोटल टर्न ओवर की डेफिनेशन ओके रिलेवेंट पीरियड एंड एक्सेट्रा और फिर कैलकुलेशन की अगर आप आंसर में सिर्फ कैलकुलेशन लिखते हो तो मेरे हिसाब से आपका एक मार्क कट सकता है बहुत सी बार आपको ये क्वेश्चन होता है ना कि सर हमारे मार्क्स क्यों घट रहे हैं क्यों क्योंकि एक बार फिर से समझ लो एग्जामिनर के पास जो है सजेस्टेड आंसर्स है वो देख रहा है कि आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से है आपने सिर्फ फार्मूला डाल के कैलकुलेशन करवाए तो मार्क्स कट सकता है इसलिए ये नोट लिखते वक्त ओके okay, चलो पूरा मत लिखो लेकिन कुछ लाइन तो लिखो ओके फिफ्टी फोर की एक लाइन में तो लिखो कोट कर दो बेटा वो पूरा नहीं पढ़ सकता पंद्रह बीस मिनट में लेकिन वो फिफ्टी फोर देख लेगा खुश हो जाएगा चल बंदे को पता है वो रूल एटी नाइन देख लेगा खुश हो जाएगा बंदे को पता है एटी नाइन फाइव लिखेगा तो और खुश हो जाएगा अच्छा एटी नाइन फाइव है तो बंदे को सब कुछ पता है ओके okay, तो ऐसे केस में यहाँ पे ओके okay, मैं रीड करता हूँ और इसको हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे आर यू रेडी फॉर दैट चलिए ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सब्जेक्ट में बेटा ठीक है तो यहाँ पे रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आई टी सी इज अलाउड इन केस ऑफ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर वेयर क्रेडिट हैज एक्यूमलेटेड ऑन अकाउंट ऑफ रेट ऑफ टैक्स इनपुट बिंग हायर देन रेट ऑफ टैक्स ऑन आउटपुट एक्सेप्ट सप्लाईज ऑफ गुड्स और बोथ एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट हाँ आपका एक ध्यान में एक पॉइंट पेलाना चाहोगा वो ये कि ये स्टार में एक नोट दी थी नॉट नोटिफाइड एज अ प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज आई टी सी शल नॉट बी अलाउड अब अगर आप वही रिफंड चैप्टर में पहला या दूसरा क्वेश्चन है वो चैप्टर में अगर आप देखते हो तो मैंने जब लिस्ट दी है कि कौन से केसेस में आपको रिफंड मिलता है पहला दूसरा नहीं मेरे ख्याल से थर्ड फोर्थ क्वेश्चन जो भी होगा ओके okay, कौन कौन से केसेस में आपको रिफंड मिलता है उसमें मैंने इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में कुछ नोटिफाइड गुड्स को रिफंड नहीं मिलते हैं मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा तो वो केस में आपको इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड नहीं मिलेंगे अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो देखो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड सप्लायर ऑफ गुड्स एज वेल एज सप्लायर ऑफ सर्विस दोनों को मिलता है लेकिन सिर्फ इनपुट का मिलता है कमॉन ओके सप्लायर दोनों हो गए लेकिन जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का रिफंड लेगा वो सिर्फ बेटा यहां इनपुट्स का मिलेगा आ, आई बात मेरी समझ में आपको तो अब यहां पे ये देखोगे बेटा कि ये जो इनवर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का ओनली इनपुट्स का मिलता है तो यहां पे दो केसेस में अगर आपकी सर्विस कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा या फिर फैब्रिक्स वन फैब्रिक्स नीटेड फैब्रिक्स वहां मैंने दिया है डिटेल्स अगर ये गुड्स हो गए तो फिर इवन तो आपका आउटपुट टैक्स रेट लो है और इनपुट टैक्स रेट हाई है पर ये कुछ केसेस में आपको रिफंड नहीं मिलता है ओके रेल लोकोमोटिव वगैरह लिस्ट दिया है वो लिस्ट भी पढ़ के जाना कभी कभी प्रॉब्लम में डायरेक्ट आपको दे दिया जाए कि रेल लोकोमोटिव है नीटेड फैब्रिक्स है ओके okay, तो फिर क्या करना तो फिर वो लिस्ट आपको पढ़ के जाना है ओके इन्होंने आपसे क्या एक्सपेक्ट किया कि भाई हमें नोट लिखते वक्त यह बताइए कि, कि आउटपुट टैक्स रेट ज्यादा होता है इनपुट टैक्स रेट लो होता है यह इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का उन्होंने फंडा कंसीडर किया उसके बाद में बेटा यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई नोटिफाइड जो गुड्स है तो वो उसमें इन्वर्टेड आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा सेक्शन 54 का उन्होंने बेस लिया ओके okay, अगर आप लिख सको प्रोविजो टू तो सेक्शन 543 अगर याद रहे तो बात अच्छी बात अदरवाइज ओके दैट्स इन आपने सेक्शन 54 भी लिखा तो चलेगा अब इसको यहाँ पर आपको एक लाइन में ख़त्म करना है इतने पड़े पैर आपको क्या ओके okay, uh, In case of inverted tax, uh, as per section 54, in case of inverted tax structure where output tax rate is more than input tax rate.

टर्न ओवर ऑफ इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई गुड्स और सर्विसेस ओके इंटू नेट आई टी सी एडजस्टेड टोटल टर्न ओवर इंटू टैक्स पेएबल ऑन सच एर यह फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा रिफंड इज अवेलेबल एज पर फॉलोइंग फॉर्मूला ये फार्मूला वो एक्सपेक्ट करते हैं उसके बाद में नेट आई टी सी यानी क्या अगर टाइम रहा अगर टाइम रहा तो इसको बहुत अच्छे से लिखना नहीं टाइम होगा तो नेट आई टी सी मीन्स आई टी सी अवेल ऑन द इनपुट एक्सेप्ट एटी नाइन फोर ए रूल एटी नाइन फोर बी उसके बाद में एडजस्टेड टोटल टर्न ओवर अब बेटा यहाँ पे मैं कहूँ क्या इतना बड़ा डेफिनेशन लिखने के बजाय हम सिर्फ गुड्स की बात कर रहे हैं ना क्योंकि सर्विस सेक्टर तो नहीं है हम जिसका रिफंड क्लेम कर रहे वो गुड्स का तो उससे कंसर्न में लिख देगा एडजस्टेड टोटल टर्न मींस मीन्स टर्न इन स्टेट एक्सक्लूडिंग एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूडिंग एटी नाइन फोर ए फोर भी इतना भी आपने लिख दिया ना दैट्स इनफ बेटा ओके इतना पूरा लिखने के बजाय ओके okay, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड टर्न ओव इन स्टेट होगा सर्विस की क्या जरूरत है क्योंकि हमारे प्रॉब्लम के लिए ज़रूरत ही नहीं सर्विस किसी गुड्स का लिख दो गुड्स में वो टर्न ओव इन स्टेट लिया जाएगा <laughs> हैज़ डिफाइन इन टू वन वन टू और नेक्स्ट बेटा ओके उसमें एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड होगा ओके और दूसरा यहाँ पे एग्जाम सप्लाई अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई हाँ उन्होंने लिखा है कि वो एग्जाम सप्लाई जो जीरो रेट में नहीं आता है पर अगर आपका एग्जाम सप्लाई जीरो रेट में आता है तो वो कंसिडर होगा और एटी नाइन फोर एटी नाइन फोर भी एक्सक्लूड होगा तो ये शॉर्ट में एक लाइन में आपने लिख देना है फिर रिलेवन पीरियड मतलब जिस पीरियड का आप टैक्स क्लेम कर रहे हो उसके बाद में फिर कैलकुलेशन बताओ देखो कैलकुलेशन में हमने यहाँ पे इन्वर्टेड स्ट्रक्चर पर पे परसेंट से टैक्स आ रहा है उसके बाद क्योंकि उसका रिफंड सप्लायर नहीं क्लेम कर रहा है हमारा टैक्सेबल पर्सन क्लेम नहीं कर रहा है रिसिपियन क्लेम कर रहा है इसलिए वो भी मैंने लिया और उसके बाद में मैक्सिमम रिफंड जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करके सेवेंटी आ रहा है ओके कैलकुलेशन तो आप कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं मेरा आपका ध्यान है प्रेजेंटेशन शॉर्ट और स्वीट कैसे करना ठीक है ओके okay, तो बेटा क्लियर हो गया ये पॉइंट आपको चलिए सो नाओ नेक्स्ट बेटा मैं आ, आ, ये सेकंड नोट तो हमने लिखी अब तीसरा तीसरा उन्होंने रिफंड ट्रांजैक्शन दिया ई ओ यू ई यू कीस में उन्होंने कह दिया कि आईटीसी का रिफंड रिसिपियन क्लेम करेगा इसलिए बेटा यहाँ पे ओके पाँच लाख से रिलेटेड आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा ओके ये डीम एक्सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि रिसिपियन क्लेम कर रहा है पर लिखना कैसे एक लाइन में तो याद हो गया इसलिए लिखने का तरीका अगर आप देखें तो लिखने का तरीका यहाँ पर देखो बेटा लिखने का तरीका यहाँ पे क्या है का? एस पर से हाँ उन्होंने टू थर्टी नाइन का रेफ सेक्शन पहले सेक्शन रूल सब ढूंढ लो क्या क्या करना है और फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कैसे पॉइंट्स कवर करना है सेक्शन टू थर्टी नाइन कवर किया है एक नोटिफिकेशन कवर किया है उसके बाद में रूल एटी नाइन वन कवर किया है चलो तो ये साइड में लिख लो लिख लो नहीं याद आया तो नहीं याद आया वैसे भी कौन सा याद करने वाले पर लिखने में क्या पॉइंट्स है पॉइंट्स लिख लो टू थर्टी नाइन नोटिफिकेशन फोर्टी एट बाई टू थाउजेंड सेवनटीन और प्रोविजो अब ये रेफरेंस लेके हमें क्या समझाना चाहते हैं और उसको समराइज कैसे करेंगे एस पर सेक्शन टू थर्टी नाइन ऑफ सी जी एस टी एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन डीम एक्सपोर्ट मीन्स सच सप्लाईज़ ऑफ गुड्स एज में नोटिफाइड अंडर सेक्शन 147 फोर्टी सेवन ऑफ सी जी एस टी एक्ट सेक्शन वन फोर्टी सेवन भी रेफर कर लिया है उन्होंने ओके सप्लाईज़ टू ई यू इज नोटिफाइड एज अ डीम एक्सपोर्ट अंडर दिस नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नंबर दिया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज रिगार्डेड एज डी एक्सपोर्ट द अपलीकेशन ऑफ रिफंड कैन बी फाइल बाय सप्लायर ऑफ डीम एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाईज ऑनली इन केस वेर रिसीपेंट डज नॉट अवेल द आई टी सी ऑन सप्लाइज एंड फर्निज द अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट सप्लायर मे क्लेम द रिफंड

स रिसिपियमि ले रहा है हिसाब से डिफाइन किया गया जिसमें नोटिफाई होगा अरे वो क्यों कॉम्प्लिकेटेड बनाते हो आंसर यार आप एक लाइन में ऐसा लिख सकते होके यहाँ पे की सप्लाईज टू यू यू विल बी कवर्ड अंडर द the DEV export. डीम एक्सपोर्ट एज पर रिलेवेंट प्रोविजन हाँ आपको अगर सेक्शन लिखने की यहाँ पे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंप्रेशन मारना है सेक्शन लिखना है तो अब फिर उसको ऐसा लिखो एज पर सेक्शन 239 थर्टी नाइन रीड विध से एंड नोटिफिकेशन फोर्टी से एट बाय टू थाउजेंड सेवेंटीन अगर आपको लिखना है तो अदरवाइज अदर अननेसेसरी टाइम पास नहीं करना ठीक है तो अगर आपको ये लिखना है तो एक लाइन में खत्म कर देना एज पर रिलेवेंट प्रोविजन एंड नोटिफिकेशन रिलेवेंट बेस्ट वे एज पर रिलेवेंट प्रोविजन नोटिफिकेशन सप्लाई टू इज अ डीम एक्सपोर्ट उसके बाद में यह जरूर लिखना रूल एटी नाइन में रिफंड बट रिस नॉट क्लेम द आई टी सी बट इफ रिसिपियन इज क्लेमिंग दी सी दैन सप्लायर कैनॉट क्लेम द रिफंड ऑन सच डीम एक्सपोर्ट इज नॉट अवेलेबल दैट ऑल इतनी नोट भी लिखा दो भी इनफ है ठीक है उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट बेटा आपका एक्सपोर्ट टर्न है और आपको एक्सपोर्ट टर्न जीरो रेट सप्लाई का रिफंड क्लेम करना पड़ेगा अब जीरो रेट सप्लाई का रिफंड जो है आपको एक्सपोर्ट ऑफ एग्जाम सप्लाईज ऑफ गुड्स तो आपके दो एक्सपोर्ट है पर पहले एक्सपोर्ट मैं टर्न में नहीं लूंगा पहला एक्सपोर्ट इसलिए टर्न में नहीं लूंगा बेटा ध्यान से सुनना क्यों क्योंकि पहले एक्सपोर्ट यहाँ पे अगर देखा जाए वो टर्न में इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्यों क्योंकि उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही है और ये एक्जम्ट होके भी एक्सपोर्ट टर्न में इसलिए लिया जाएगा क्योंकि इसको जीरो रेटेड बोला जाता है एलिजिबल फॉर रिफंड चलो इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर यहाँ पे कैसे आएगा तो इसका फोर्थ में पहले देखते हैं कि वो क्या क्या रेफर कर रहा है वो सेक्शन सिक्सटीन का रेफरेंस ले रहे हैं उसके बाद में सेवनटीन फाइव का रेफरेंस ले रहे हैं सेक्शन लिख लो ओके उसके बाद में सेक्शन फिफ्टी का रेफरेंस ले रहे हैं ठीक है उसके बाद में रूल एटी नाइन फोर का रेफरेंस ले रहे हैं अब आप जस्ट रीड करोगे ना तो इतना ये गड़बड़ गड़बड़ लगेगा कि कुछ भी याद नहीं रहेगा आपके तो जो स्टूडेंट्स उनका आपको एक्सपीरियंस आया होगा जो स्टूडेंट सिर्फ रीड करते हैं ना वो ना सेक्शन याद रखते हैं ना फ्लो उसको समझ में आता है ना उसको समराइज़ कर पाते हैं शॉर्ट में और ना इफेक्टिव वे में लिख पाते हैं इसलिए टाइम पर आते हुए भी मार्क्स नहीं को स्कोर कर सकते हो और रीड तो कर लिया टाइम तो लगा दिया इतना पढ़ने के बाद भी रिजल्ट हाथ में नहीं आता है जब तक उसको आप कंक्लूड नहीं करते हो उसको कंस्यू करना पड़ेगा ओके यहां पे सिंथेसाइज करना पड़ेगा तो ही मजा आएगा फिर अब थोड़ा उसके ऊपर सोचो ये सोचो कि क्या मैंने ये सिक्सटीन सेवनटीन फिफ्टी फोर एटी नाइन इनके रेफरेंस देने चाहिए क्या क्या ये रिलेवेंट है हमारे डिस्कशन के लिए पढ़ते आप ओके पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पहला सेक्शन 162 टू ऑफ आई जी एक्ट ओके यहां पे स्टिपुलेट दैट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 175 फाइव ऑफ सी जी एस टी एक्ट आई टी सी मे बी अवेल्ड फॉर मेकिंग जीरो रेटेड सप्लाईज नॉट विस्टैंडिंग दैट सच सप्लाई मे बी एग्जाम सप्लाई मेरे हिसाब से लिखना चाहिए आपने कि सेक्शन 162 टू यह कहता है कि सुनिए बात फिर सेक्शन सिक्सटीन टू कहता है कि अगर आपको आई मिलेगा सेवेंटीन फाइव के में कवर होगा तो उसका आई टी सी नहीं मिलेगा नॉट स्टैंडिंग टू फैक्ट क्योंकि मुझे इस पॉइंट पे आपका ध्यान लाना है दैट सच सप्लाई एन एग्जाम सप्लाई फिर फिफ्टी फोर में आपको रिफंड मिलता है यह बताना पड़ेगा एटी नाइन फोर में रिफंड जो मिलता है यहां पे <coughs> सॉरी 894 में रिफंड जो मिलता है ये फार्मूला से आपको फार्मूला भी लिखना पड़ेगा हाँ ये फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा तो ही आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे और फिर वो फॉर्मूला में नेट आईटीसी क्या है उसके बाद में जीरो रेटेड सप्लाई क्या है अब ख्याल रहे जब मैं ज़ीरो रेट सप्लाई का आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहा हूं जीरो रेट सप्लाई का आईटीसी का रिफंड कर रहा हूं तो यहाँ इनपुट और इनपुट सर्विसेज का मिलेगा एक्सेप्ट तो एक लाइन में खत्म कर लेना इनपुट और इनपुट सर्विस के आईटीसी के आपको नेट आईटीसी में कवर किया जाएगा एक्सेप्ट एटी नाइन फोर ए फोर बी उसके बाद में जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का डेफिनेशन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का डेफिनेशन बेटा अगर मैं कहूं ठीक है तो यहां पे जो आपने एक्सपोर्ट किया अंडरबॉन ख्याल रहे जीरो रेटेड सप्लाई के टर्न में अगर आपके विद बॉन्ड और विदाउट बॉन्ड हो गए तो विदाउट बॉन्ड होगा अब हमारे प्रॉब्लम में विदाउट बॉन्ड वाला टर्न नहीं है अगर विदाउट बॉन्ड होगा तो वो मत लेना टर्न ओवर में हमारे एक्सपोर्ट टर्न ओवर जीरो रेटेड सप्लाई गुड्स के टर्न में वो मत लेना ओके इवन दो विद बॉन्ड वाला जीरो रेटेड बोला जाता है पर हमारे ये डेफिनेशन में ये टर्न निकालते वक्त सिर्फ विथ बॉन्ड वाला या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वाला टर्न लेना है उसके बाद में एटी नाइन फोर ए फोर भी एक्सक्लूड करना है उसके बाद में जिसके ऊपर हम एक्सपोर्ट क्लेम कर रहे हैं सो एक्सपो सॉरी जिसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी क्लेम कर रहे हैं वो नहीं आएगा क्योंकि उसका तर, मिलेगा ही नहीं इसलिए वो टर्नओवर में कंसिडर नहीं होगा तो आपने ये जरूर लिखना कि उस जो एक्सपोर्ट ड्यूटी का हम क्लेम कर रहे हैं वो आपके एक्सपोर्ट टर्न में नहीं आएगा ये पॉइंट भी तो ये नोट थोड़ी लेंदी होगी पर जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट छिपे हुए हैं एडजस्टेड टोटल टर्न और हाँ एडजस्टेड टोटल टर्नों में आप सिर्फ एग्जम सप्लाई और फोर ए फोर भी एक्सक्लूड करोगे तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैं आ, अगर इनपुट और इनपुट सर्विस का अदर देन सेवेंटीन फाइव का आई टी सी लोग तो अदर देन सेवेंटी इनपुट का तीन लाख पचास हज़ार पूरा इनपुट सर्विस का दो लाख टोटल पाँच लाख पचास हज़ार होता है आउट ऑफ दैट फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड एटीन थाउजेंड जो है बेटा आई रिपीट एटीन थाउजेंड

एडजस्टेड टोटल टर्न और एडजस्टेड टोटल टर्न और ट्वेंटी एट लैक्स जो हमने पहले भी निकाला उतना ही रहेगा और आपका एक्सपोर्ट टर्न और कितना रहेगा तो एक्सपोर्ट टर्न और सिर्फ वो एग्जाम सप्लाई वाला रहेगा बेटा तो आपका एक्सपोर्ट टर्न और छः लाख रुपये तो छः लाख डिवाइडेड बाई ट्वेंटी एट थाउजेंड एडजस्टेड टोटल टर्न और इन टू नेट आई टी सी इतना आपका मैक्सिमम रिफंड रहेगा कैलकुलेशन वाइज देखो तो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाता है जस्ट तीन से चार मिनट में क्योंकि फटाफट कैलकुलेशन करके बताना है लेकिन आपको नोट लिखना है तो ये प्रॉब्लम को दस मिनट लगेंगे तो घर पे जब प्रैक्टिस करोगे ये क्वेश्चन आपको पाँच या छः मार्क्स के लिए आ सकता है तो पाँच या छः मार्क्स के लिए टोटल आपको वन एटी मिनट्स मिलते हैं डिवाइडेड बाय अगर आप हंड्रेड करते हो तो एक मार्क के लिए वन मिनट्स मिलता है तो अगर पाँच मार्क का क्वेश्चन आया तो आज ये ये भी प्रैक्टिस अभी पीरियड में करना है कुछ क्वेश्चन लेके तो आपको फाइव इंटू तो जो भी अप्रॉक्सिमेटली आपको नौ दस मिनट मिलेंगे उसमें आपका नोट्स के साथ सॉल्व हो सकता है तो ही टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा हाँ एक दो मिनट एक्स्ट्रा लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बारह मिनट लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा क्यों क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मार्क्स के हिसाब से कम आंसर होता है तो उसमें हम टाइम बचा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब मार्क्स के हिसाब से हमें आंसर ज्यादा लिखना पड़ता है तो वहाँ वो टाइम यूज करना पड़ता है इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी चलो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं सुपर इंजीनियरिंग जीएसटी रेट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय सुपर इंजीनियरिंग वर्क्स एंड ऑल्सो देयर आई टी सी अवेल्ड ऑन इनपुट्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ईच ऑफ फाइनल प्रोडक्ट एंड जीएसटी रेट एज अपलीकेबल ऑन द सेम ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड तो बेटा यहाँ पे उन्होंने टर्न ओवर दिया आउटवर्ड सप्लाई दिया है आईटीसी दिया है रेट्स दिए हैं ओके और आपको पूछा क्या है? हम पहले दे आ जाते फटाफट पूछा क्या है फिर हम टेबल वगैरह पढ़ते रहेंगे क्योंकि जो एक काम करना जब भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इमीडिएट एंड में चले जाना पहले ये देख लेना कि पूछा क्या है उसके हिसाब से फिर प्रॉब्लम पढ़ना तो आपको क्लियर होते जाएगा कि मुझे जो पूछा गया उसके हिसाब से उसको अरेंज कैसे करना है ना उसके बाद में बेटा यहाँ पे डिटरमाइन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिफंड फिर से रिफंड निकालना है ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट सुपर इंजीनियरिंग वर्क इज एलिजिबल टू क्लेम अंडर दिस सेक्शन ऑफ फिफ्टी फोर थ्री टू मतलब वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर क्या है हाँ प्रोवाइडेड दैट प्रोडक्ट बी इज नोटिफाइड एज अ प्रोडक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच नो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड ठीक है तो दोस्तों चलो अब ये प्रॉब्लम अगर पढ़ते हो तो रिफंड क्लेम करना है अब ये प्रॉब्लम में तो ये दिख रहा है एक्सपोर्ट तो कुछ नहीं है एक्सपोर्ट तो कुछ नहीं है पर हाँ ये प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि आउटपुट टैक्स रेट कम है और इनपुट टैक्स रेट हाई है अगर सेक्शन फिफ्टी वगैरह उन्होंने जो दिया नहीं याद आया पूरे प्रॉब्लम में इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर कहीं पर नहीं लिखा है लेकिन आपको क्लू दिया है ऐसा बिल्कुल रूमर्स नहीं फैलाना कि अरे यार डायरेक्ट सेक्शन पर क्वेश्चन आया फिफ्टी क्या हमें सेक्शन याद रखने पड़ेगी क्या उन्होंने बहुत सारे क्ल्यूज़ दिए हैं अगर आपको सेक्शन नहीं याद आ रहा होगा तो क्लूज तो याद आ जाएंगे ओके इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का क्ल्यू दिया है बेटा तो ये रीड करने का तरीका होता है हमारा ठीक है तो यहाँ पे हमें ओके okay, क्ल्यू मिल रहा है कि इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर जिसमें तीन प्रोडक्ट दिए ए बी और सी ए में रेट लो है बी में रेट लो है पर सी में रेट इक्वल है इक्वल है तो फिर ये जहाँ तक है यहाँ पे ये यहाँ इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का तो बेनिफिट मिलेगा ही नहीं ओके okay, अब दूसरी बात जैसा सिचुएशन ए है ए में जो है ओके यहाँ पर आउटपुट रेट फाइव फाइव और यहाँ पे इनपुट जो है वो 18 परसेंट है उसके बाद में ये सब अमाउंट एक्सक्लूडिंग जीएसटी दिए अच्छी बात है दूसरा वो क्या कहते हैं बी जो है ये बी नोटिफाइड है और वो नोटिफाइड मतलब जिसका आईटीसी नहीं मिलता है अभी मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वुवन फैब्रिक्स नीटेड फैब्रिक्स ओके तो ऐसे कुछ आइटम्स है जिसके इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में रिफंड नहीं मिलता है तो बेटा फिर हमारे इसमें बी कंसिडर नहीं होगा क्योंकि इसका रिफ़ंड मिलने वाला ही नहीं है हमारे फार्मूला में और सी का तो बेटा यहाँ पे इक्वल रेट है तो वो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में नहीं आएगा अब इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर में सिर्फ इनपुट का ही ओके आई आपको रिफंड मिलता है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि जो इनपुट टैक्स है वो ओनली इनपुट्स का है जो उन्होंने खुद दिया है ओनली इनपुट्स का ये उन्होंने दिया है इतना आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए अब आंसर देखते वक्त देखो उन्होंने पहले सेक्शन रेफर किए ओके okay. सिचुएशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया 54 सिचुएशन को एक्सप्लेन किया इसको शॉर्ट समराइज़ करना है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं कि इसको कैसे समराइज़ करना है उसके बाद में आपको रूल एटी नाइन फाइव अगर याद रहे तो रूल एटी नाइन फाइव भी कोट करना है ओके okay. यानी आप समझ गए होे रिफंड चैप्टर में कुछ सेक्शन फिफ्टी ओके रूल एटी हमें ये याद रखना है सब सेक्शन नहीं सब रूल याद नहीं भी रहे तो चलेगा एटी ज़रूर याद रखना है जिसमें जीरो रेट सप्लाई का फार्मूला दिया है जिसमें यहाँ पर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मूला दिया है ठीक है नेट आई से सिर्फ इनपुट्स कवर होना चाहिए ये आप याद रहे एडजस्टेड टोटल टर्न और शॉर्ट में कैसा लिखना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ओके रिलेवेंट पीरियड एक्सेट्रा अब मैं अब कैलकुलेशन पे आता हूँ ओके बेटा इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का हमें एक ही गुड्स पे क्लेम करना है और वो एक गुड्स तो not, है सिर्फ ए क्योंकि बी तो नॉ नोटिफाइड है इसलिए उसका नहीं मिलेगा और सी जो है सुनिए सी जो है बेटा सी तो यहाँ इन्वर्टेड में आता ही नहीं है तो उस पर का पाँच परसेंट आउटवर्ड टैक्स जो है हमारे फार्मूला के लिए लगेगा क्योंकि जो रिफंड आएगा माइनस टैक्स पेबल ऑन दैट ओके वो पाँच परसेंट में निकालूगा दूसरा आपको जो है यहाँ पे इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर का टर्नोवर वो है पाँच लाख एडजस्टेड टोटल टर्न टोटल टर्न में तीनों लेना ए बी सी तो आपका एडजस्टेड टोटल टर्न अगर आप देखोगे क्योंकि एडजस्टेड टोटल टर्न में सिर्फ आप एग्जाम सप्लाई एक्सक्लूड करोगे एटी नाइन वाला सप्लाई एक्सक्लूड करोगे तो आपका एडजस्ट स्टेड टोटल टर्न और अगर आप देखोगे तो टोटल नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड आएगा नेट आईटीसी आए टी हां अब ध्यान रहे यहां स्टूडेंट गड़बड़ कर सकते हैं नेट आईटीसी में स्टूडेंट क्या करेंगे सिर्फ ये नहीं 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 सिर्फ जो इन्वर्टेड है उसका ही आई लो नहीं इसके ऊपर सीबीआईसी बी क्लैरिफिकेशन आया है कि जब आप नेट आईटीसी लोगे तो आपको टोटल जो भी, आपको 54, इलिजिबल 54, भी इलिजिबल है आपको ये फिफ्टी फोर थाउजेंड इलिजिबल है ये दूसरा फिफ्टी फोर थाउजेंड भी इलिजिबल है हाँ इसका रिफंड नहीं मिलेगा पर आपको आई टी सी मिलेगा रिफंड के लिए वो ब्लॉक किया हुआ है ख्याल रहे रिफंड के लिए वो ब्लॉक किया है लेकिन उसका आईटीसी मिलेगा और तीसरे का भी आपको आईटीसी मिलेगा अच्छा तीसरा आपका इन्वर्टेड रेट में नहीं भी आ रहा है पर आपका लेजर का नेट आईटीसी टोटल आईटीसी टी सी एक्सेप्ट एटी नाइन फोर ए फोर बी इसलिए आपको पूरा फिफ्टी फोर फिफ्टी फोर और टेन ये पूरा लेना पड़ेगा फिर से मेरी बात सुनो ये जो बी नोटिफाई किया है रिफंड के लिए रिस्ट्रिक्ट किया है आई टी सी के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया उसका रिफंड नहीं मिलेगा अब मेरी बात समझ रहे हो तो उसका भी तो जो भी टोटल आई टी सी लिया है वो टोटल आपने

यस uh, yes. अब हम देखेंगे कि उन्होंने जो यहाँ पे रिफंड निकाला नेट यहाँ पे पूरा आईटीसी नेट आईटीसी लेते वक्त उन्होंने पूरा लिया फिफ्टी फोर थाउजेंड फिफ्टी फोर थाउजेंड टेन थाउजेंड वन लैख एटी थाउजेंड ओके तो ये फार्मूला में रखा सभी अमाउंट और उन्होंने यहाँ रिफंड निकाला नौ आ जाओ क्वेश्चन नंबर थ्री पे With reference to section 543 of the CGST Act 2017 mention the cases where refund of unutilized input tax credit is allowed. ओके फिफ्टी फोर थ्री को याद करते हुए कौन कौन सी केसे से केसेस है जहां अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिलता है तो बेटा क्लिक हो जाना चाहिए आईटीसी का रिफंड दो ही केस में मिलता है जीरो रेट सप्लाई और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर तो आपको लिखना फिफ्टी फोर थ्री सेक्शन भी पूछा होगा लेकिन आपको याद आना चाहिए मैंने बहुत सी बार आपको पढ़ाया है कि जीरो रेटेड सप्लाई और इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर के केस में जीरो रेटेड सप्लाई में मिलेगा लेकिन आपके उसको एक्सेप्शन भी लिखो अगर आपका गुड्स एक्सपोर्ट ड्यूटी में होगा या आपने ड्रॉबैक क्लेम करे होगे तो फिर आपको आई

अपलीकेबल मतलब आपको डायरेक्ट रिफंड मिलेगा या उसको दूसरे तरह से यह भी पूछा जाता है कि कौन सी केसेज है जहां अमाउंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड को ट्रांसफर नहीं होगा डायरेक्ट रिफंड मिलेगा ठीक है तो देखो एक्सपोर्ट uh, करते हो तो एक्सपोर्ट का रिफंड डायरेक्ट आपको लगेगा आपको यही पूछा जाएगा कि आपने बर्डन पास ऑन किया है कि नहीं किया है एक्सपोर्ट का रिफंड आपको डायरेक्ट मिलेगा ज़ीरो रेटेड सप्लाई का आईटीसी का रिफंड आपको डायरेक्ट मिलेगा सर एक्सपोर्ट का रिफंड और आईटीसी का जीरो रेट क्या डिफरेंस है एक्सपोर्ट का रिफंड मतलब ये है कि आपने ड्यूटी पे कर दी विदाउट बॉन्ड एक्सपोर्ट किया आपने अपने आउटवर्ड सप्लाई पर ड्यूटी पे कर दी और बाद में उसका रिफंड क्लेम कर दिया वो कहा जाएगा एक्सपोर्ट का रिफंड आई का रिफंड आपको डायरेक्ट मिलेगा इन्वर्टेड का रिफंड डायरेक्ट मिलेगा हाँ अगर आपका रिफंड वाउचर होगा अब रिफंड वाउचर का कंसेप्ट मैंने इन्वाइस में लिया मतलब आपने एडवांस पे लिया होगा एडवांस पे टैक्स दे दिया होगा और आपने कोई सप्लाई नहीं किया इन्वाइस नहीं दिया और रिफंड वाउचर दे रहे हो तो उसका डायरेक्ट रिफंड मिलेगा क्योंकि आपने बर्डन किसी को पास ऑन ही नहीं किया किसी को आपने सप्लाई भी नहीं किया और इन्वाइस भी नहीं दिया उसके बाद में बेटा ओके अगर आपका रिफंड है ओके बाय मिस्टेक सी जी एस टी आई जी एस टी या आई जी एस टी सी जी एस टी में पे हो गया उसका रिफंड है ओके okay, उसके बाद में इंटरेस्ट और एनी थिंग बर्डन पास ऑन नहीं किया ओके okay, और टैक्स और इंटरेस्ट बोन बाय इसमें एक और ऐड कर देना ओके कैश लेजर का रिफंड आई रिपीट कैश लेजर का रिफंड भी आपको डायरेक्ट रिफंड मिलता है उसके बाद में नेक्स्ट बेटा वाई लिमिटेड question number 5 why limited provides following details of september 20 for computation of refund claim under 89.4. 89.4 papa sagya rule cgst rule compute the eligible claim under the said rule assuming that other conditions are fulfilled ठीक है ये भी अच्छा क्वेश्चन है ओके ये पढ़ के जाना बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ आई टी सी फाइव लैक्स आई टी सी अवेल ड्यूरिंग द पीरियड विच इंक्लूड्स मतलब ये टैक्स पीरियड में आई जो लिया पच्चीस लाख विच इंक्लूड्स द क्लेम फॉर रिफंड मेड फाइव लैक्स एलिजिबल अंडर एटी नाइन अच्छा फाइव लैक्स को जो है वो एटी नाइन में कवर होता है ठीक है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स रिफंड तभी मिलते हैं जब विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स होगा अंडर बॉन्ड और एल्यूटी विच इंक्लूड सप्लाई वन करोड़ फॉर विच रिफंड क्लेम अंडर एटी नाइन ए फोर बी एटी नाइन फोर ए फोर बी में उसका रिफंड क्लेम किया गया है टोटल मतलब करोड़ है सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई थ्री लैक्स मतलब अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई अगेन गुड्स का प्रॉब्लम है सर्विस का नहीं अब आपको नो डाउट जीरो रेट के लिए आपको रिफंड क्लेम करना है फॉर्मुला हमारे सामने

नेट आई में आपने एटी नाइन फोर ए फोर बी का आई रिड्यूस करना है मतलब माइनस फाइव लैक्स रिड्यूस कर देना है मतलब आपका नेट आईसी जो आएगा वो ट्वेंटी लैक्स आएगा ये आपने कैलकुलेशन कर लिए प्रेजेंटेशन बाद में करेंगे फिर आपका जीरो रेट सप्लाई का टर्नवर कितना है तो जीरो रेटेड रेट सप्लाई का टर्न ओवर लेते वक्त आपको एटी नाइन फोर ए फोर बी एक्सक्लूड करना पड़ेगा अगर अंडर बॉन्ड वाला है वही लेना पड़ेगा जो विदाउट बॉन्ड है वो नहीं लेना पड़ेगा तो छः लाख में से एक लाख गया माइनस एक लाख का टर्न मैं कर दूँ तो यहाँ पे फाइव करोड़ का टर्न जो है आपको कंसिडर करना पड़ेगा और वो अदर तो अब एडजस्टेड टोटल टर्न लेते हुए लेते वक्त एडजस्टेड टोटल टर्न लेते वक्त आपको ओके okay, एक्सपोर्ट प्लस अदर माइनस एटी नाइन फोर ए फोर बी माइनस एग्जाम मतलब आपका फाइव प्लस थ्री एट होगा फाइव प्लस थ्री एट एग्ज़ाम्पल बहुत सिंपल है लेकिन बेटा पहले वही आपने प्रॉपर फॉर्मूला दिया आपको एक मार्क दे दिया यहाँ पे आपने नोट दिया आपको यहाँ पे एक मार्क दे दिया फिर आपने कैलकुलेशन बताया नीट आई टी सी निकाल के बताया हाफ मार्क आपको यहाँ दे दिए टर्न ओवर ऑफ़ जीरो रेटेड सप्लाई हाफ मार्क आपको यहाँ पे दे दिए एडजस्टेड टोटल टर्न ओवर हाफ मार्क आपको यहाँ पे दे दिए और बचा आपका प्रेजेंटेशन सब मिला के टोटल फाइव मार्क्स करेंगे वो ओके okay, तो कभी कभी स्टेप वाइज और अब तो स्टेप वाइज मार्क्स जो है आपको दिया जाएगा तो देखो बेटा यहाँ पे जीरो रेटेड सप्लाई पाँच करोड़ था नेट आईटीसी टी बीस लाख था एडजस्टेड टोटल टर्न और आठ लाख था फॉर्मूले में डाल दिया आंसर सही है बचे हुए मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे, तो ऐसे स्टेप वाइज मार्क्स आपको यहाँ पे दे दिए जाएंगे बेटा ओके नाउ लास्ट क्वेश्चन फिर हम रुकेंगे वाई लिमिटेड एक्सपोर्टेड सर्विस वैल्यूड यू डॉलर वन लैख सप्लाई ऑफ सर्विस कंप्लीटेड ऑन फिफ्टी नवंबर ठीक है पेमेंट फॉर दिस सर्विस सप्लाई कब कंप्लीट हुआ 15 नवंबर को पेमेंट फॉर दिस सर्विस वाज रिसीव्ड ऑन थर्टीएथ दिसंबर उसका पैसा थर्टी दिसंबर को आया रिफंड क्लेम वाज फाइल बाय लिमिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट और इनपुट सर्विसेज सिक्स लैक्स ऑन थर्टी जनवरी ठीक है रिफंड क्लेम वॉज सेंक्शन ऑन थर्ट अप्रैल ट्वेंटी वॉट इज द अमाउंट ऑफ रिफंड बाय लिमिटेड विल गेट इन अकॉर्डेंस विद लॉ वट इज द रिलेवेंट डेट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पहली बात तो रिफंड तो जो उसने क्लेम किया इनपुट्स और इनपुट सर्विस का एक्सपोर्ट का, का रिफंडे इनपुट्स और सर्विस आप, आप एक्सपोर्ट करते हो और आपने सर्विस का इनवाइस और सप्लाई पहले कर दिया और पैसा बाद में आया तो जिस दिन कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज मिला वहां से वन ईयर का टाइम आपको मिलेगा ओके तो ऐसे सिचुएशन में सॉरी टू इस फ्रॉम द रिल हाँ एक मिनट एक मिनट तो अगर आप देखते हो यहाँ पे रिलेवन डेट रिलेवन डेट अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा तो आ, ये आएगा फाइव सेवेंटी नाइन फाइव के आसपास पेज नंबर देखो उसमें रिलेवेंट डेट जो है हाँ रिलेवेंट डेट का क्वेश्चन नंबर सिक्स मिलेगा उसमें देखो आपका थर्ड अगर सर्विस और सर्विस में आपने सप्लाई पहले कर दिया और पैसा बाद में आ रहा है तो जिस दिन पैसा मिलेगा वहाँ से कंसीडर किया जाएगा और आपकी पीरियड होगा टूर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट हाँ यहां पे कस्टम में यहां पे वन ईयर है और यहां टू ईयर्स है तो यहां टू ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट डेट आपके पास टाइम लिमिट है तो आपका पैसा तीस दिसंबर को आया यहां आप दो साल में कभी भी क्लेम कर सकते हो आपने इमीजिएट क्लेम कर लिया जनवरी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप सेक्शन फिफ्टी तो यहां पर अब आपको क्लेम मिल जाएगा फिर इंटरेस्ट भी मिलेगा गवर्नमेंट आपको इंटरेस्ट छः परसेंट पर एनम से देगी ओके okay, कब से देगी ओके okay, तो यहाँ पे उसकी भी प्रोविज़न देखो इंटरेस्ट की प्रोविजन यहाँ पे दिया है ओके विद इन सिक्सटी डेज उन्होंने अगर यहाँ पे रिफंड क्लेम नहीं किया तो सिक्सटी वन डेज से आपको इंटरेस्ट देगी सिक्स परसेंट पर एनम से तो ये सब पॉइंट्स लिखने हैं सेक्शन की लिस्ट बना लो फिफ्टी फोर थ्री उसके बाद में सेक्शन फिफ्टी सिक्स फिफ्टी फोर थ्री में आपको पूरा रिफ़ंड मिलेगा और आप कि रिलेवेंट डेट जो होगी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ओके उसके हिसाब से रिलेवेंट डेट होगी फिफ्टी सिक्स में आपको रिफंड मिलेगा ओके okay, अगर सिक्सटी डेज में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन जब आपका रिफंड का अप्लीकेशन मिल जाएगा वहां से सिक्सटी डेज में नहीं हुआ तो सिक्स परसेंट पर एन से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा ओके अलॉन्ग विद रिफंड तो ये था यहाँ पे एक क्वेश्चन कि रिलेवन डेट और उसका रिफंड इस तरह से ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है मैं बेटा इस तरह से एक एक लाइन पढ़ के पढ़ा रहा हूं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ टाइम लग सकता है हमारे डिस्कशन को मैं फिर से कहता हूँ जिसके पास टाइम है वो डेली मेरे साथ कनेक्ट हो और जिसके पास टाइम नहीं है वो बाद में ओके okay, ये रिकॉर्ड सेशन अपलोड हो गए तो बाद में वो ये देख सकता है लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा ये एक घंटा ओके okay, आपका खाना पीना होने के बाद मेरे साथ दे दो ओके तो जो आपका खाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है तो चलो मुझे सुन के तो भी पढ़ाई आपकी हो जाएगी तो इस तरह से हमने देखा नेक्स्ट आपको बता दूँ जो लाइव स्ट्रीम में देख रहे थे जो बाद में देखेंगे उनके लिए नहीं जो लाइव स्ट्रीम में देख रहे थे ओके अब पाँच या दस मिनट के बाद जिसके भी डाउट्स या क्वेश्चनस होंगे वो यहाँ पे लिंक दिया गया आपको ओके चार्ट में देखोगे तो बार बार लिंक डिस्प्ले में आ रही है ओके तो आप मेरे के जूम से कनेक्ट होगे हम तुम्हारे डाउट्स और क्वेश्चंस यहाँ पे जरूर ओके डिस्कस करेंगे बेटा ये हुई बात कल के सेशन में हम आगे के चैप्टर जो भी होगे जॉब वर्क है मेरे ख्याल से आगे का चैप्टर और बाद में इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वगैरह है तो आगे के चैप्टर्स आपको पढ़ के आना है वो चैप्टर्स हम कवर करेंगे ओके तो मैं वैसे डिस्प्ले में डाल दूंगा वो चैप्टर्स हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों आई होप ओके okay, आपने एंजॉय किया होगा थोड़ा बहुत रिवाइज हो गया होगा रिवीजन का मैं मेरा बूस्टर रिवीजन का ये चैप्टर के कुछ मतलब रिफंड हुआ अपील हुआ ये चैप्टर के लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा तो डेफिनेटली वो रिवीजन के लिए आपको हेल्प करेगा मैं कल ही अपलोड कर देता हूँ तो आपने अगर सर्च कर लिया तो रिविज़न जी ओके ऑन कॉमन टॉपिक्स ऐसा वर्ड डाल दूंगा ऑन कॉमन टॉपिक्स या रिफ़ंड अपील वगैरह तो वो मैं लिंक यहाँ पे आपको बता भी दूंगा कौन से लिंक में रिवाइज हुआ है तो आप उसको सर्च कर लेना रिवीजन के लिए ओके okay, दोस्तों तो चले यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं पाँच मिनट बाद मिलते हैं जूम मीटिंग के लिए ठीक है चलो सो बाय टू ऑल ऑफ यू अपना पूरा ख्याल रखे पढ़ाई करे और पूरे पॉजिटिव एनर्जी के साथ ओके okay, इस तरह से एनालिसिस करें और इस एग्जाम में हमें सक्सेसफुल होना ही है ऑल द बेस्ट सेम टाइम पे सॉरी सॉरी कल का टाइमिंग जो है प्रोबेबली चेंज हो सकता है लेकिन आप, आप कल का टाइमिंग आपको कैसे पता चलेगा तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन so, स्ट्रीमिंग की लिंक यहाँ क्रिएट कर दूंगा लाइव स्ट्रीमिंग की लिंक क्रिएट कर दूंगा उस पर आपको टाइम दिख जाएगा ओके okay, तो वो टाइम के हिसाब से कल का डिस्कशन होगा क्योंकि मैं थोड़ा बाहर जाने वाला हूँ ये टाइम पर नहीं रहूँगा तो कल का टाइमिंग आपको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के इसके ऊपर दिख जाएगा वो टाइम पर हमारा डिस्कशन होगा ठीक है तो चलिए यहाँ रुकते बेटा थैंक यू थैंक यू टू ऑल ऑफ यू